उत्तर प्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र मंगलवार को बुलाया गया है। इस विशेष सत्र को लेकर न्यूज वर्ल्ड के पॉलिटिकल एडिटर आरसी भट्ट ने संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना से खास बातचीत की। खन्ना ने उम्मीद जताई है कि इस सत्र में विपक्ष भी भाग लेगा। आइए बातचीत करते हैं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी से कि एक दिन का जो संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को सदन आहूत की गई है, क्या क्या एजेंडा है सरकार की तरफ से और किस तरह की चीजें चर्चा होनी है। पहली बार विधानसभा का विशेष सत्र संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को आहूत किया गया है और इस दिन हमने अपने राज्यपाल महोदया जी से यह अनुरोध किया है कि वो ज्वाइंट सदन को एड्रेस करें इस संविधान दिवस के रूप में, और उन्होंने कृपा पूर्वक अपनी सहमति भी दी है। राज्यपाल जी आएंगी और वो संवेद सदन को संबोधित करेंगी इस अवसर पर। ये एक विशेष सत्र है जिसमें खास तौर से नागरिकों की ड्यूटीज जो संविधान के आर्टिकल 51A में दी गई हैं उस पर फोकस किया जाएगा, साथ ही साथ संविधान के प्रियम्बल पर भी फोकस होगा। माननीय अंबेडकर जी के द्वारा जो वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे उन्होंने जो संविधान लिखा है उस पर चर्चा होना मैं समझता हूँ कि आवश्यक भी है और उपयोगी भी। ये अपने आप में एक मील का पत्थर होगा क्योंकि अभी तक लोग अधिकार की बात तो करते थे लेकिन ड्यूटीज के बारे में चर्चा होना, ड्यूटीज के बारे में कर्तव्य बोध कराना ये पहली बार हो रहा है और इसका परिणाम सार्थक होगा। हम इसी की तैयारी में। राष्ट्रीय मुद्दे पर जब भी सदन आहूत की जाती है, चाहे महात्मा गांधी की 150 जयंती हो या संविधान दिवस की बात हो, विपक्ष इससे भागता है, यानी विपक्ष कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को सहयोग नहीं देता है। और ये क्या है, इसको राजनीति समझा जाए या फिर उनका असहयोगात्मक रवैया? देखिए, पहले भी 2 अक्टूबर को जब सत्र बुलाया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर, जब महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर, तब भी विपक्ष ने इस बात का आश्वासन दिया था कि वो सदन में आएंगे, चर्चा में भाग लेंगे और पूरे समय सदन में बैठेंगे। और 36 घंटे का सदन उस वक्त आहूत किया गया और उसको लोगों ने काफी अप्रिशिएट भी किया। सदन इसीलिए है कि चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो, क्योंकि चर्चा से बहुत से परिणाम निकलते हैं और चर्चा के लिए सदन बना है। तो जब सदन में चर्चा करने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है, विभिन्न विषयों पर तैयार है, तो उस वक्त विपक्ष को अपने निर्णय पर फिर से विचार करना चाहिए कि आखिरकार समय समय के ऊपर विपक्ष के नेता लोग विधानसभा में चर्चा की मांग करते हैं। अब जब चर्चा के लिए सदन बुलाया जाए फिर उसके बाद उन्होंने बहिष्कार किया। इस बार भी अभी जब दलीय नेताओं की बैठक हुई थी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के कक्ष में, तो उन्होंने इस बात के लिए आश्वस्त भी किया था कि इस बार हम लोग सदन में रहेंगे, चर्चा में भाग लेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग आएंगे और इस संविधान दिवस के ऊपर चर्चा में अवश्य भाग लेंगे। चर्चा से भागने का कोई कारण नहीं है, कोई औचित्य भी नहीं बनता, इसलिए हम जरूर चाहेंगे कि वो लोग सदन में आए, अपनी बात जरूर रखें। ये थे सुरेश खन्ना। सीधे तौर पर इनका कहना है कि कर्तव्य और जो मौलिक अधिकार हैं दोनों विषयों की चर्चा सदन में एक दिवसीय संविधान दिवस में होगी और विपक्ष को आना चाहिए और निश्चित रूप से आकर इस विषय पर चर्चा करें। कैमरामैन अनिल सैनी के साथ आरसी भट्ट, न्यूज वर्ल्ड, लखनऊ।